नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसके चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम साथियों के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, आप तमाम डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को, आप तमाम बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को, आप तमाम एनआईओएस योग्यताधारी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरी ओर से यानी एसके चौधरी की ओर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, आज के दिन हमने अपने व्यूअर्स द्वारा मांगे गए सवाल पर हमारे ढेर सारे व्यूअर्स ने ढेर सारी अपनी अपनी समस्याएं रखी है और कमेंट के माध्यम से हमें सवाल उठाने की बात कही है। इन सभी मुद्दों को जानकर हमने स्पष्ट निर्णय लिया है कि तमाम अभ्यर्थियों के मांगों को क्यों नहीं धनतेरस के शुभ अवसर पर बिहार सरकार से, अतुल प्रसाद महोदय से और के पाठक महोदय से मांग लिया जाए, वो भी गिफ्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से धनतेरस के अवसर पर तमाम अभ्यर्थियों की मांग गिफ्ट के रूप में रखने जा रहे हैं। इससे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय धनतेरस अवश्य लिखे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में वर्तमान में बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फेज वन की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और सेकंड मेरिट लिस्ट का तमाम अभ्यर्थियों का इंतजार है और दूसरी तरफ द्वितीय फेज का नोटिफिकेशन आने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा उठाए गए मांग के अवसर पर, जी हाँ, हमारे अभ्यर्थियों द्वारा कमेंट के माध्यम से मांगे गए मांग को लेकर आज हम सबसे पहले अपनी मांग रख रहे हैं। तमाम डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थी जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यही संदेश है और यही मांग है हमारे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय से कि महोदय, आपने कुछ दिन पहले यह स्पष्ट कहा था कि हम सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे और बचे हुए जो भी सीट हैं उसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से ही भरेंगे। हे महोदय, तमाम अभ्यर्थियों के सब्र की बांध टूट रही है और इस पावन अवसर पर जहां उन्हें खुशियां मनानी चाहिए, उनके घर में मातम का माहौल है। उनके बच्चे कैसे महापर्व छठ मनाएंगे और उनके बच्चे कैसे खुशियों के पटाखे छोड़ेंगे, हम आपसे आग्रह ही नहीं हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि महोदय, आप धनतेरस के पावन अवसर पर जो कि 10 नवंबर 2023 को है, आप अवसर पर द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी कर दे। जहां तक हमारी जानकारी की सवाल है तो यह स्पष्ट हो चुकी है पत्र के माध्यम से कि तमाम शिक्षकों के विद्यालय आवंटन रैंडमाइजेशन के माध्यम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से 11 से लेकर 21 नवंबर तक निर्धारित की गई है। इसका सीधा अर्थ है कि बिहार में कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है और कितने अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करना है, इसका आकलन बिहार सरकार के पास पहुंच चुकी है, जिसके आधार पर सरकार विद्यालय का आवंटन करेगी। जब ऐसी बात है तो अब देरी कौन चीज़ की, जब तमाम रिक्तियां आपके पास पहुंच चुकी है, जब तमाम खाली पड़े सीटों के आकलन आपके पास आ चुकी है, तो अब देर नहीं होनी चाहिए और अविलंब धनतेरस पावन माह, जी हाँ, महापर्व छठ और दीपावली से पहले शुरुआत होती है इस पर्व की धनतेरस से। तो इस धनतेरस के पावन अवसर पर आप दोनों महोदय, अतुल प्रसाद महोदय और के पाठक महोदय से विनती है कि अपना गिफ्ट प्रदान करते हुए सेकेंड मेरिट लिस्ट अवश्य जारी कर दे। इसके लिए हम अपने वीडियो के माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों की ओर से सदा आभारी रहेंगे। और दोस्तों, हम अपनी दूसरी मांग इस पावन अवसर पर करते हैं तमाम
डीएलएड अभ्यर्थी जो कि एनआईओएस योग्यताधारी है। हे महोदय, न जाने सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आदेश आएगा। ये तो सच है कि हर हाल में एनआईओएस के फेवर में ये न्याय निर्णय आएगी, इसे कोई नहीं बदल सकता। तर्क के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ और यो पूर्व से होते आया है। परंतु उन तमाम एनआईओएस अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है कि न जाने आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, क्योंकि आज का ठिकाना नहीं तो कल की बात कौन करता। तो महोदय, जब आपके पास सारा आकलन है, जब आपके पास सारी रिक्तियां मौजूद है और जब नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जा ही रहा है 11 नवंबर 2023 से लेकर 21 नवंबर 2023 तक, तो क्यों नहीं उन तमाम अभ्यर्थियों के मन में साहस भरते हुए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए, ताकि उन्हें भी सब्र हो जाए और खुशियों के दीपक उनके घर में भी दीपावली के अवसर पर जल सके और धनतेरस के दिन एक बहुत बड़ा गिफ्ट आप तमाम पदाधिकारियों की ओर से एनआईओएस अभ्यर्थियों को मिल जाए। और साथियों, हमारे व्यूअर्स ने अपनी ओर से वे भी कमेंट किए हैं जो अभी नवनियुक्त हैं, कहीं प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथियों, हम तमाम अभ्यर्थियों को यह कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से धनतेरस के अवसर पर के पाठक महोदय और अतुल प्रसाद महोदय जी से गिफ्ट मांगा जा रहा है, और वो भी शिक्षक के रूप में वो गिफ्ट। साथियों, तमाम अभ्यर्थियों की मांग है कि जब सब कुछ सरकार ने हमें दे ही दी है, नवनियुक्त शिक्षकों की मांग है कि जब सब कुछ सरकार ने हमें दे ही दी है तो बस बचती है एक विद्यालय आवंटन। इसमें महिलाओं का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए, दिव्यांग अभ्यर्थियों का ख्याल रखा जाए, असहाय अभ्यर्थियों का ख्याल रखा जाए, जिनके माता पिता बूढ़े हो चले हैं उन अभ्यर्थियों का ख्याल रखा जाए, जिनके माता पिता को देखने वाले कोई नहीं है उन अभ्यर्थियों का ख्याल रखा जाए, जो अभ्यर्थी भाई में एक है उन अभ्यर्थियों का ख्याल रखा जाए, और श्रीमान के आदेशानुसार जो उचित विद्यालय हो सुविधानुसार आवंटित किया जाए धनतेरस के शुभ अवसर पर। साथियों, ये धनतेरस की मांग, धनतेरस के शुभ अवसर पर ये गिफ्ट की मांग हम के पाठक महोदय और अतुल प्रसाद महोदय से अपने इस वीडियो के माध्यम से तमाम नवनियुक्त शिक्षकों की ओर से करते हैं। और तीसरी मांग है दोस्तों, तमाम बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए। कई अभ्यर्थियों ने भी यह कमेंट कर बताई है कि हमें भी गिफ्ट मिलनी चाहिए, और हमारी भी समस्या है कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष झेले हैं और बहुत इंतजार किए हैं, तो हमारी भी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और ज़्यादा शिक्षक बनने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, हम आपको आश्वस्त कर दें कि इस वीडियो के माध्यम से माननीय के पाठक महोदय और साथ ही साथ अतुल प्रसाद महोदय, इसके साथ ही साथ बिहार सरकार से विनती करते हुए धनतेरस के अवसर पर इस गिफ्ट की मांग करते हैं कि महोदय, आपकी हाथ बहुत लंबी है और कुछ दे देने से कुछ बिहार का घट नहीं जाएगा। तमाम बीएडधारी योग्यता धारी जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार करना पड़ा है और वे सभी शिक्षक बनने के लिए व्याकुल है। तो इस पावन अवसर पर धनलक्ष्मी माता के शुभ अवसर धनतेरस के अवसर पर हम विनती करते हैं कि आप इन सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। जो 1,20,000 शिक्षकों की नई वैकेंसी की बातें कही गई थी श्रीमान के द्वारा, उन बातों को धनतेरस के अवसर पर ही पूरा किया जाए और 50,000 रिक्तियां जो बच गई है उसे नोटिफिकेशन के माध्यम से धनतेरस के शुभ अवसर पर जारी कर दिया जाए, ताकि
तमाम अभ्यर्थियों को एक अवसर का मौका मिल जाए और उन्हें धन लक्ष्मी प्राप्त हो जाए शिक्षक के रूप में और शिक्षक बनने की अवसर के रूप में। साथियों, हम अपने वीडियो के माध्यम से तमाम साथियों के साथ साथ तमाम पदाधिकारी महोदय और तमाम योग्यताधारी उम्मीदवार जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुख्य रूप से सेकेंड मेरिट लिस्ट का, उन्हें आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आशा ही नहीं, हमें पूर्णतः विश्वास है कि निश्चित रूप से सरकार और हमारी पदाधिकारी हमारी बातों को सुनते हैं। यही बातों को देखते हुए अविलंब उन्होंने तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन जारी होने की भी बात कही है पत्र के माध्यम से, यानी उन्हें हमारे तमाम नवनियुक्त शिक्षकों की चिंता सताने लगी है। तो अब बस चिंता सताने की बात है जो इंतजार में बैठे हैं शिक्षक बनने की, उनकी भी चिंता किया जाए महोदय। अविलंब सेकंड लिस्ट जारी किया जाए और साथ ही साथ 70,000 जो पद नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रदान किए गए हैं उनमें सीटों को ऐड किया जाए और अधिक से अधिक तमाम अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाए। हम इन्हीं आशा के साथ मंगल कामना ये करते हैं कि हमारे पदाधिकारी महोदय और बिहार सरकार निश्चित रूप से हमारी बातों को सुनेंगे और धनतेरस के अवसर पर तमाम बिहार के युवाओं जो शिक्षक बन चुके हैं और शिक्षक बनने की ओर अग्रसर है उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे और उनकी मांग को एक गिफ्ट के रूप में धनतेरस के अवसर पर अवश्य प्रदान करेंगे। बस इतना ही कहते हुए आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय धन लक्ष्मी माँ।